में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो पल जरूर आएगी, आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ ख्याल हूँ, जमाल हूँ जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ, अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ। बच्चे को नहीं ढूंढ रहे थे क्या? मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी लेकिन मेरा ख्याल है अब रहने दो। तुम राना आंटी को भी अंदर कैद किया हुआ है यार, इन लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ये भी जाते वक्त तक शॉप पर रख देंगे, कुछ यहाँ भी रख देते हैं। जल्दी से कॉटन और स्पिरिट लेकर आओ। खड़ी क्यों हो, फौरन लाना, हमें जल्द से जल्द साफ करना है इसे, चलो। हाँ लेकिन पहले ये जरा छोटे वाला काम कर लूं मैं। बात सुनिएगा जी। बोले, आप एलिफ को जानती हैं क्या? एलिफ गुरेल? जी हाँ। कहाँ पर होगी वो, कुछ पता है? एलिफ का तो एग्जाम था आज, वो वहाँ होगी और फिल्स कैंटीन में है। एलिफ अपना बच्चा उसके पास छोड़ कर गई है। मतलब फिल्स और बच्चा कैंटीन में है और एलिफ अंदर इम्तिहान में। जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आपने सुना उसने क्या कहा? जुल्म कर रही है मेरे बेटे पे। मेरा बेटा कैंटीन के कोनों में किसी और के हाथों में है। माँ कहाँ है? इम्तिहान में। आपको तो खुश होना चाहिए मिस्टर डेनिस, इससे हमारा केस मजबूत होगा। बस अगर आप थोड़ा तहमुल मिजाजी से काम लें तो बहुत कम अरसे में बच्चा हमें मिल जाएगा। मेरा बेटा कहाँ है सनम? डेनिस मेरी जान, तुमने आने में कितनी देर लगा दी ना, मेरा भाई भी अभी यहीं पर था, इंतजार करके गया है। सनम तुम्हारे भाई का नहीं अपने बेटे का पूछा है। हौसले से काम लें मिस्टर डेनिस। इब्राहिम, मेरा बेटा, मेरी जान। इसकी हालत देख रहे हो ना, इतने छोटे बच्चे का भला कैंटीन में क्या काम। हाँ मेरा कोई हक तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, मगर इसकी माँ को तो कोई परवाह ही नहीं। आखिरी बार जो उसने मेरे साथ किया मैं तो डरती हूँ अब उससे। अब हमें जाना होगा, हम माँ को खबर किए बगैर बच्चा नहीं ले जा सकते। तो तुम यहाँ ही रहो और उसे खबर कर देना। मिस्टर डेनिस, डेनिस ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये काम तो हो गया। लगता है कि हमने एग्जाम पास कर लिया है क्योंकि ये एक इम्तिहान ही था। हमारे साथ आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आज हमारी जो बेइज्जती हुई है कल हम याले मैडम से इसका हिसाब लेंगे। वो सिर्फ हमें डरा रही थी। हम इसका हिसाब जरूर लेंगे। हाँ, 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 हम इसका हिसाब लेंगे। इब्राहिम, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक बेबी था, क्या आपने किसी को ले जाते हुए देखा? नहीं तो कैसे हो गया? इब्राहिम कहाँ है? एलिफ मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक चला गया। कहाँ चला गया इब्राहिम, क्या कह रही हो तुम? कोई ले तो नहीं गया इब्राहिम को? तुम कैसी माँ हो मुझे तो समझ नहीं आती। क्या? चलो एक अच्छी इंसान होने के नाते मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। जल्दी बताओ। उसका बाप लेकर गया है उसे, मेरा शोहर लेकर गया है। इब्राहिम पागल, भागो एलिफ भागो, बच्चे के पीछे भागो। हेलो, आज हमारी टक शॉप की ओपनिंग है, जरूर आइएगा और अपने दोस्तों को भी लाइएगा। शुक्रिया। शुक्रिया। आप भी लीजिए। बाबा मैंने सारे बांट दिए और हैं क्या? ये लो मेरा बच्चा, लेकिन ख्याल रखना ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? हम्म।
गलत कर रहे हैं मिस्टर डेनिस। उसने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी तो? अपने बेटे की जिंदगी मेरे लिए हर चीज से कीमती है, मुझे कोई परवाह नहीं, जो भी करे उसे ये बच्चा नहीं दूंगा। डेनिस रुको, डेनिस कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को तुम? रुक जाओ, इधर दो। एलिफ छोड़ो, अपने घर ले जा रहा हूँ, एक अच्छे घर जहाँ इसे सब कुछ अच्छा मिलेगा। मेरा घर ही उसका घर है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, माँ हूँ मैं इसकी। मैं भी इसका बाप हूँ, जितनी तुम्हारी औलाद है उतनी ही मेरी भी है। ऐसे कैंटीन के कोनों में या गली में कूड़े के ढेर पर फेंकने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस एलिफ, मिस्टर डेनिस भी इसके बाप है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर रह सकता है क्या? तुम इसे इस गंध में बड़ा करना चाहती हो एलिफ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डेनिस बस अब बहुत हो गया, ये सब कुछ वक्त की वजह से है, खुदा के लिए बस करो। तुम तो मुझे मेरा बेटा छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को। अच्छा 5 बजे बाबा। क्या हुआ बेटा? एक अंकल एलिफ पापा को मार रहे हैं, उनकी मदद करें। मैंने कहा मुझे दो मेरा बेटा। छोड़ो, छोड़ो इसे। पागल हो गए हो क्या? इंसान हो या जानवर, क्यों परेशान कर रहे हो इस औरत को? तुम्हें क्या, ये हमारा आपस का मामला है, प्लीज झगड़ा मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो मिस्टर, आप अपनी हद में रहो तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा चलो एलिफ चलो। उठे डेनिस, बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। मत मारो मेरे पापा को। चलो जाओ यहाँ से, इस बच्ची की वजह से छोड़ रहा हूँ, दोबारा कभी मुझे दिखाई मत देना। चलो निकलो, देख लूंगा तुम्हें, चलो बेटी। फिलिस, फिलिस हम दवाई ले आते हैं या फिर हॉस्पिटल चलते हैं, देखो तुम्हारी तबीयत किस कदर खराब हो रही है। ठीक हूँ मैं, तुम बस अपने आप को देखो, रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। मैं थोड़ा सा रेस्ट करके काम पर जाऊंगी। क्या, कैसा काम? तुम कहीं नहीं जाओगी, सही से खड़े तो हो नहीं पा रही हो तुम। ये दरवाजा क्यों खुला है? अम्मी इसे पकड़ो सुहेला। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेनिस ने खबर दी थी, मिसेस राणा को अंदर बंद करके ताला लगा के चली गई थी, ये दम घुटने से मर सकती थी, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अम्मी, अम्मी ये क्या किया मैंने आपके साथ? फिक्र मत करें, अब अच्छी हैं, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। एलिफ देखो प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे घर चली जाओ, मैं दोस्तों के साथ गुजारा कर लूंगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, बहुत मुश्किल से मिली हैं अम्मी, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। देखो अपने माँ और अपने बेटे को संभाल लूंगी, किसी का सहारा नहीं लूंगी और ना ही किसी के आगे गर्दन झुकाऊंगी। देखो तुम जो भी करना है जल्दी करो, कोई हल ढूंढो, डेनिस का गुस्सा बढ़ने से पहले ये काम खत्म करना होगा, वो बच्चा लेने के लिए अदालत में दावा करेगा और फिर तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। यहां रख दो। शुक्रिया, ये लो बेटा। ठीक है जाओ। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आई इस बात की, एलिफ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने क्यों उस प्रोग्राम में शिरकत की? समझ नहीं आ रहा, जैसे एलिफ मर गई हो और उसकी जगह कोई और आ गई हो, पता नहीं क्या हो गया है उसे, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। और तुम्हारा बेटा इब्राहिम का क्या होगा? ले आऊंगा बहुत जल्द अपने बेटे को अपने पास, बेड भी ऑर्डर कर दिया है, आप तैयारी करनी शुरू करें। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, लेकिन सनम, सनम क्या कहेगी इस बारे में? क्या कह सकती है वो अम्मी, अगर एतराज हो तो अपने बाप के पास ही रहे, मेरे लिए मेरा बेटा कीमती है। ठीक है फिर मैं तैयारी शुरू करती हूँ, अपने पोते का कमरा बहुत खूबसूरत सजाऊंगी। माफ कर दे अम्मी। बेबी नहीं है, इब्राहिम नहीं है। यही है इब्राहिम। हाँ ये रहा,
देखे देखे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिलिस, इसे क्या हुआ? परफेक्ट, बहुत अच्छा तैयार किया है। चलो चलते हैं। कहाँ? क्या मतलब कि कहाँ? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई ने एक टक शॉप खोली है। वीआईपी होने के नाते हम दोनों को इनवाइट किया। मुझे कहीं भी नहीं जाना सनम, तुमने जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे भाई से बाद में मिल लूंगा। मुझे तैयार होना आगा, तिब्बत से प्रॉमिस किया, नहीं जाऊंगी तो बुरी बात है। तुम कहीं भी नहीं जाओगी फिलिस, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुहेला ठीक कह रही है, ऐसी हालत में तुम काम कैसे करोगी? तुम चली जाओ मेरी जगह, एक दिन का ही काम है, मैं ठीक होकर कंटिन्यू कर लूंगी। पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं आज शाम के लिए, हम अपनी चीजें वापस ले सकेंगे उन पैसों से। लेकिन मैं नहीं जा सकती, अलीना से वादा किया था मैंने, एसोसिएशन की मीटिंग है ना। दरवाजा खोलो सुहेला। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। तुमने जहमत की, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कैसी जहमत मेरी जान, ये तो मेरा फर्ज है। आह, तुम तो बीमार लग रही हो, मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, तुम खा लेना। तुम्हें हमारी कितनी परवाह है? मैं परवाह नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इब्राहिम के लिए भी कुछ चीजें लाई हूँ। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। चलो हम चलते हैं, कहीं मीटिंग के लिए देर ना हो जाए। फिलिस, अपना बहुत ख्याल रखना। फिलिस, इब्राहिम का ख्याल रख सकती हूँ आज शाम को? किस लिए? मैं उस काम पर जाती हूँ, हमें उन पैसों की जरूरत है। किसी दूसरे की तरफ देखना बहुत बुरा लगता है। आखिरी मौका है, समझ गए ना मैंने क्या कहा? बेशक वो बेहतर रिस्क अदा करने वाला है, हमें सिर्फ उसी पर तवक्कल करना चाहिए। सच्चे दिल से करते हो तो
सुबह घोंसलों से निकलने वाले और शाम को पेट भर कर वापस लौटने वाले परिंदों की तरह तरह अपने रिज का दारो मदार उस पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतर रिज का अदा करने वाला है, हमें सिर्फ उसी पर तवक्कल करना चाहिए। साले, खैरियत है ना? तुम ठीक तो हो? अगर आप अल्लाह पर सच्चे दिल से तवक्कल करते हो तो वह सुबह अपने घोंसलों से निकलने वाले और शाम को पेट भरकर वापस लौटने वाले परिंदों की तरह आपको भी रिस्क अदा करता है। मुझे माफ कर दे। हर काम में मसलहत होती है, सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। सब हमारी अच्छाई के लिए है और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे मेरे भाई। अब जाओ, जाकर सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। फिलिस की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए उसकी जगह मैं आ गई हूँ। माफ कीजिएगा, सुबह मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। कोई बात नहीं, उसे सबक सिखाना जरूरी था। क्या वो आपका शोहर था? एलिफ पापा। ओ, मेरी शहजादी। बेटी, सनम, तुम्हारे भाई को वेटर की जरूरत है ना? मैं सोच रही हूँ कि अगर वो वेटर मैं ही बन जाऊँ तो कैसा रहेगा? एजी, मुझे तो तुम पर यकीन नहीं आता कि वो लड़की जो ट्रे में दो कप कॉफी नहीं ला सकती वो इस टक शॉप में एक वेटर की जॉब करेगी। सनम, वो एलिफ ही है ना? तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। जहाँ भी जाओ ये सामने आ जाती है मनहूस। रुको तुम, मैं जानती हूँ अब इसके साथ क्या करना है। अब क्या है सनम, क्यों फोन किया तुमने? क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारे बेटे की माँ इस वक्त गलियों में घूम रही है, सोचा तुम्हें बता दूँ। और बेटा भी साथ नहीं है। कहाँ पर? सनम बताओ जल्दी, कहाँ देखा तुमने? मेरे भाई की शॉप में मोहतरमा एक वेटर की जॉब कर रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। तुम कुछ मत करना, बस नजर रखना सनम, कुछ भी मत कहना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ बस। असल पार्टी तो अब शुरू होगी जब डेनिस यहाँ पर पहुँचेगा। हम भी उसका इंतजार करते हैं, अंदर साथ ही चलेंगे। क्या तुम मेरी टक शॉप पर परमानेंट जॉब करना पसंद करोगी? मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे रहम करम पर नहीं छोड़ सकता उसको। इब्राहिम! एलिफ, सिलेंडर खुला रह गया था। अब कैसी हालत है? वो मर गया है तुम्हारी वजह से, और कातिल हो तुम। पहले